हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कॉन्वेक्स सेट एवं कॉन्वेक्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे और ये वीडियो नंबर 6 है, उस पर हमारा लेक्चर 6 चालू है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास डेफिनेशन है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की, उसके बाद एक इसमें थ्योरम्स पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट x1 x2 डॉट डॉट xn इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एक्स बराबर लैम्डा 1 एक्स 1 प्लस लैम्डा 2 एक्स 2 प्लस डॉट डॉट लैम्डा एन एक्स एन, वेयर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट डॉट लैम्डा एन इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या है फ्रेंड्स? कुछ एक्स एन एन पॉइंट्स हैं, उनका सम इस तरह से लैम्डा 1 एक्स 1 प्लस लैम्डा 2 एक्स 2 प्लस डॉट डॉट लैम्डा एन एक्स एन, ये सम किसी एक पॉइंट को शो कर रहा होगा। तो इस सम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनका जो सेट है वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में आता है। तो फिर इस तरह से ये जो सेट है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में आ गया, जहाँ पे लैम्डा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा एन इक्वल टू 1। चूँकि लैम्डा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम लैम्डा आई हर किसी लैम्डा की रेंज बता सकते हैं। जो लैम्डा की रेंज होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लैम्डा बिलोंग्स टू 0 टू 1, क्योंकि लैम्डा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाई कर देगा कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अब फ्रेंड्स, हम थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम क्या है फ्रेंड्स हमारे पास? द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स x1 x2 डॉट डॉट xn इज अ कॉन्वेक्स सेट। ये फ्रेंड्स थ्योरम है कि कोई सेट है जो कि उसके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का सेट है वो एक कॉन्वेक्स सेट होगा, ये हमें शो करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे x1 x2 xn ये पॉइंट्स नहीं है, ये याद रखना, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पॉइंट्स हैं। यानी कि इस तरह से जो पॉइंट लैम्डा की अलग अलग वैल्यू को रखने पे जो पॉइंट्स आए थे वो पॉइंट्स हैं। तो हम इसको करते हैं, लेट इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, लेट सी बराबर एक्स सच देट एक्स बराबर आई बराबर 1 to n m लैम्डा आई एक्स आई, यहाँ पे लैम्डा आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सम ऑफ आई बराबर 1 to n लैम्डा आई इक्वल टू 1। यानी कि ये जो सेट है हमने माना है कि उसके सारे कॉम्बिनेशंस में जो पॉइंट थे एक्स वो उनका एक सेट है। अब हमें क्या शो करना है कि सी जो सेट है ये एक कॉन्वेक्स सेट है। ये शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे हम पहले पुरानी वीडियोज में कर रहे थे, हम कोई दो पॉइंट्स के आर्बिट्री दो पॉइंट्स मानेंगे, उसके बाद उन पॉइंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है लाइन सेगमेंट है वो उसी सेट में सेट सी में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हम शो करेंगे। तो लेट y1 एंड y2 आर एनी टू पॉइंट पॉइंट्स ऑफ c। अब चूंकि ये c के पॉइंट्स है फ्रेंड, तो ये c की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से y को हम किस तरह से लिख सकते हैं, y1 को हमने लिख लिया, y1 को एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे i बराबर 1 to m लैम्डा आई एक्स आई, वेयर लैम्डा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सम ऑफ लैम्डा आई आई बराबर 1 to m इक्वल टू 1। और सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स y2, क्योंकि इस पॉइंट से हम अलग कर रहे हैं तो इसको हम लैम्डा डैश ले लेते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आई बराबर 1 to m लैम्डा आई डबल डैश एक्स आई, वेयर लैम्डा आई डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई बराबर 1 to m लैम्डा आई डबल डैश इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिया हमने लैंथ सेगमेंट को किस तरह शो कर सकते हैं, जेड बराबर एक कोई पॉइंट है लैंथ सेगमेंट पे, ये पॉइंट्स किससे होंगे, ये होंगे लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2। यानी कि ये जो सेट है फ्रेंड्स, ये उस y1 और y2 के पॉइंट्स के जो लैंथ सेगमेंट है उस सारे पॉइंट्स को शो कर रहा है।
अब हमें इसको करना है कि जो लेंथ सेगमेंट है या इस जेड के जो सारे पॉइंट्स हैं वो पूरे सी में ही सी के ही सेट होंगे। अब हमें ये शो करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करेंगे, जेड बराबर क्या है हमारे पास, लेमड़ा। वाई वन क्या है फ्रेंड्स, ये है वाई वन हमारे पास। तो वाई वन है आई बराबर वन टू एम लेमड़ा आई डैश एक्स आई प्लस वन माइनस लेमड़ा आई बराबर वन टू एम लेमड़ा आई डबल डैश एक्स आई। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेमड़ा को अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि लेमड़ा ऐसा कॉन्स्टेंट है और ये सम है, तो हर मेंबर में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आई बराबर वन टू एम लेमड़ा लेमड़ा आई एक्स आई प्लस आई बराबर वन टू एम वन माइनस लेमड़ा लेमड़ा आई डबल डैश एक्स आई। अब फ्रेंड्स ये हो गया। तो हमारे कॉमन गौर से देखें तो आई बराबर वन टू एम है, आई बराबर वन टू एम है, तो इस समीकरण को हम ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस समीकरण को हम दो बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो फिर इसको हमने लिख लिया I बराबर वन टू एम लेमड़ा लेमड़ा आई एक्स सॉरी एक्स आई को बाहर ले लेंगे हम प्लस वन माइनस लेमड़ा लेमड़ा आई डबल डैश डैश है और ये हो गया एक्स आई। वेयर अब हम क्या करें फ्रेंड्स, इसको हम लिख रहे हैं I बराबर वन टू एम लेमड़ा लेमड़ा आई प्लस वन माइनस सॉरी इसको हम इस नंबर्स को एक हम अलग से नाम दे रहे हैं, वो हमने दे दिया इसको आई बराबर वन टू एम न्यू न्यू आई और ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एक्स आई। तो फ्रेंड्स अब इस सेट को जो हमने ये सेट माना था उसको सी में होने के लिए, ये जेड को सी में होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, वो है हमारे पास न्यू आई जो है, ये जो न्यू आई है, न्यू आई बराबर क्या है हमारे पास लेमड़ा लेमड़ा आई डैश प्लस वन माइनस लेमड़ा लेमड़ा आई डबल डैश। ये जो है हमारे पास फ्रेंड्स, ये न्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए और न्यू आई डबल डैश सॉरी न्यू आई का जो सम है आई बराबर वन टू एम इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन और सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट है जेड के जो पॉइंट्स हैं, जेड के पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास सी के ही पॉइंट्स हैं। अब फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं, चूंकि सिंस जीरो लेस देन इक्वल टू लेमडा आई लेस देन इक्वल टू वन, लेमडा आई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेमडा आई डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो चूंकि ये दोनों हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फ्रेंड्स, और लेमडा भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और जीरो से वन के बीच में बिलोंग कर रहा है, वन माइनस लेमडा भी इसलिए जीरो से वन के बीच में बिलोंग करेगा, तो चूंकि सारे नंबर्स जो है पॉजिटिव है, या तो जीरो जीरो होंगे उसमें या पॉजिटिव होंगे, तो इससे इम्प्लाई हो गया न्यू आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। कैसे इम्प्लाई हुआ फ्रेंड्स, ये भी पॉजिटिव, लेमड़ा आई हमने पॉजिटिव लेके चले हैं, लेमड़ा की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होती है, वन माइनस लेमड़ा की वैल्यू भी जीरो से वन के बीच में होगी, लेमड़ा आई डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे तो न्यू आई भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब हम सम कर रहे हैं फ्रेंड्स, समेशन ऑफ आई बराबर वन टू एम न्यू आई बराबर आई बराबर वन टू एम लेमड़ा लेमड़ा आई डैश प्लस वन माइनस लेमड़ा लेमड़ा आई डबल डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स आई बराबर वन टू एम लेमड़ा लेमड़ा आई डैश प्लस वन माइनस लेमड़ा, अलग अलग लिख रहे हैं आई बराबर वन टू एम लेमड़ा आई डबल डैश। अब फ्रेंड्स हमारे पास पहले क्या कंडीशंस थी, जो कंडीशंस थी ये कंडीशंस थी सम ऑफ लेमड़ा आई इक्वल टू वन और सम ऑफ लेमड़ा आई डबल डैश इक्वल टू वन। तो फिर सम ऑफ लेमड़ा आई इक्वल टू वन और सम ऑफ लेमड़ा आई डबल डैश इक्वल टू वन, तो ये हो गया लेमड़ा वन प्लस वन माइनस लेमड़ा वन, तो यहाँ से ये हो गया लेमड़ा प्लस वन माइनस लेमड़ा इक्वल टू वन। तो फिर समेसन भी इसका वन हो गया, तो समेसन ऑफ न्यू आई आई बराबर वन टू एम इक्वल टू वन ये हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो जेड है हेंस
जेड विल बी अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, इम्प्लाई कर गया हमारे पास कि जो सी जो है वो कॉन्वेक्स सेट है, सी इज अ कॉन्वेक्स सेट। फ्रेंड्स अगर आपको इस थ्योरम में कहीं डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी करना है इस नंबर पे 9460689761, कॉल नहीं करना है फ्रेंड्स। और साथ में मेरी मेल आईडी है वो है hitesh@gmail.com, तो आप मुझसे मेल भी कर सकते हो, ये मेरी मेल आईडी है। थैंक यू फ्रेंड्स।